हेलो एवरीवन, स्वागत है राइट टू एजुकेट चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फार्म लॉस 2020 के बारे में, एम एस स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो फार्मर्स के लिए थी, और कुछ सजेशंस जो एसबीआई ने दिए हैं फार्मर्स के लिए। तो लेट स्टार्ट फार्म लॉस 2020। तो एक एक करके जल्दी से हम इन तीनों बिल के बारे में समझ लेते हैं। फर्स्ट वन इज फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस इन फार्म सर्विसेज एक्ट। तो ये बिल बात करता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के। कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें दो बंदे आपस में डील करते हैं। इसमें कंपनी और किसान आपस में डील करते हैं। जैसे मान लो कंपनी किसान के पास जाती है कि मुझे इतना क्विंटल ये अनाज चाहिए, तो किसान पहले से ही उस अनाज का दाम कंपनी को बता देगा कि मैं इस फसल के इतने दाम लूँगा। तो इसमें किसान को तो फ्रीडम है कि वो अपनी फसल का दाम अपनी इच्छा के अनुसार बता सकता है। बट फार्मर्स का कहना है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो फार्मर्स को लीगली डोमिनेट कर सकती हैं और छोटे फार्मर्स को ईजिली एक्सप्लॉइट कर सकती हैं। दैट्स द इशू। कॉमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट, ये एक सबसे पहले 1955 में लाया गया था। लेकिन इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अभी इस पेंडेमिक सिचुएशन में हमारे लिए मास्क और सैनिटाइजर एसेंशियल कमोडिटीज हैं। तो स्टार्टिंग में लोगों ने क्या करा था, इनको स्टॉक करना और इनकी ब्लैक मार्केटिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। तो इनके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। फिर गवर्नमेंट ने क्या करा, इंटरफेयर करा और हैंड सैनिटाइजर और मास्क को एसेंशियल कमोडिटीज में डाल दिया। फिर जब इनके रेट नॉर्मल हो गए तो इनको एसेंशियल कमोडिटीज से बाहर निकाल दिया। तो सेम ऐसे ही गवर्नमेंट ने कुछ 23 आइटम्स की लिस्ट बनाई है, लाइक सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, जो एसेंशियल हैं। तो गवर्नमेंट का कहना था कि पहले आप इन आइटम्स को स्टोर कर नहीं रख सकते, बट इन 2020 गवर्नमेंट का कहना है कि अब आप इन आइटम्स को स्टोर कर रख सकते हो। तो इससे क्या होगा, जो बड़े बड़े डीलर्स होंगे वो इन आइटम्स को स्टोर कर रखेंगे और मार्केट में जब उतारेंगे, जब इनके रेट बढ़ जाएंगे, तो जिस कमोडिटी का रेट हमें पहले कम दाम में मिल रहा था, अब उसी के लिए हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। दैट्स द इशू। नेक्स्ट इज फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। इस एक्ट में गवर्नमेंट का कहना है कि किसान पहले अपना अनाज जो मंडी में बेचता था, अब वो जहां चाहे वहां अपना अनाज बेच सकता है। तो हमारे फार्मर्स का कहना है कि प्राइवेट मार्केट आने के बाद, प्राइवेट मार्केट इज टैक्स फ्री और एपीएमसी से गवर्नमेंट को टैक्स मिलता था, कि प्राइवेट मार्केट आने के बाद मोस्टली लोग प्राइवेट मार्केट में डील करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो एपीएमसी होंगी वो इनएफिशिएंट होने लगेंगी और इन लॉन्ग रन जो इनएफिशिएंट हो जाएगा, गवर्नमेंट उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देगी और प्राइवेट मार्केट में छोटे फार्मर्स का इजीली एक्सप्लोइटेशन हो सकता है। एक तो ये इशू है। वन इज फार्मर्स का कहना है इन एक्ट में कहीं भी मेंशन नहीं है कि उनका एमएसपी रहेगा। एमएसपी इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो गवर्नमेंट किसानों को पहले से ही बता देती है कि हाँ वो उसको उसकी फसल का इतना दाम तो कम से कम देगी ही देगी। और ये न्यूज तो कितनी बार आपने भी सुनी होगी कि एफसीआई के गोदामों में कितने बोरे भरकर अनाज बेकार हो गए। तो एफसीआई के गोदामों में, एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जहां पर सरकार किसानों से एमएसपी के रेट पर अनाज लेकर एफसीआई के गोदामों में डालती है। और फार्मर्स का कहना है कि इन गोदामों की फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट भी कुछ खास कदम नहीं उठा रही है, जैसी सिचुएशन है वैसे ही चलने दे रही है। तो इसलिए फार्मर्स को डर है कि उनका एमएसपी भी छीना जा सकता है। That's why farmers are protesting against these three farm laws, और वो चाहते हैं कि इन एक्ट को वापस ले लिया जाए और चाहते हैं कि एम एस स्वामीनाथन की रिपोर्ट को फॉलो किया जाए। तो हु इज एम एस स्वामीनाथन? एम एस स्वामीनाथन इज अ पर्सन जो इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन लाए थे, जिन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। एंड वॉज ऑनर्ड बाय मेनी अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड मेनी मोर। तो इन्होंने किसानों के इशूज को बहुत ध्यान से देखा और NCF का गठन किया। NCF इज नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। और इन्होंने NCF में 5 रिपोर्ट 2004 से 2006 के बीच में सबमिट करी। लास्ट रिपोर्ट अक्टूबर 2006 में सबमिट करी, जिसमें इन्होंने मेन फोकस किया कि जो फार्मर्स के सुसाइड का रेट है वो बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने कुछ इश्यूज देखे कि आखिरकार क्यों उनका सुसाइडल रेट बढ़ रहा है। तो उन्होंने बहुत सारे इश्यूज बताए, लाइक या उसको लैंड की दिक्कत है, या उसको सिंचाई में दिक्कत आ रही है, या फिर उसको लोन नहीं मिल पा रहा ठीक तरीके से। तो उन्होंने उन सारे इश्यूज को ध्यान में रखते हुए इन 8 पॉइंट्स पर रिकमेंडेशंस दी। और जो ये 8 रिकमेंडेशंस हैं, इनके सब पॉइंट्स 200 से भी ज़्यादा हैं। तो हम कुछ मेन रिकमेंडेशंस को देखेंगे। उससे पहले उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड दिखाया, जिसमें आप देख सकते हो 11.24% ऑफ द फार्मर वर लैंडलेस, कि इतने परसेंट ऑफ द फार्मर के पास उनके पास खुद की ज़मीन ही नहीं है। और 12.09% मीडियम होल्डिंग फार्मर्स और 2.62% ऑफ द फार्मर वर लार्ज होल्डिंग फार्मर्स। दैट मीन्स 14 एंड 14 एंड हाफ ऑफ द फार्मर्स वर मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स।
दैट मीन्स 75-80% ऑफ द फार्मर्स वर मार्जिनल फार्मर एंड स्मॉल फार्मर्स. फर्स्ट वन इज एमएसपी शुड बी एटलीस्ट 50% मोर देन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो किसान का जो भी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है उस पर 50% ज़्यादा लगकर एमएसपी मिलना चाहिए. तो स्वामीनाथन ने एमएसपी को कैलकुलेट करने के लिए तीन टर्म्स का यूज करा, दैट इज A2, FL एंड C2. फर्स्ट वन इज A2. A2 में क्या आ गया, जैसे किसान का बीज का खर्चा हो गया, उसकी सिंचाई या खाद का खर्चा, ये सारे खर्चे इंक्लूड होंगे A2 में. नेक्स्ट इज FL इज फैमिली लेबर. अगर किसान के साथ उसकी फैमिली का कोई भी बंदा मिलकर उसके साथ खेती कराता है तो उसका जो भी लेबर होगा वो फैमिली लेबर में आएगा. एंड C2 में इंक्लूड होगा A2 प्लस FL. और अगर किसान ने कोई ज़मीन ली है तो उसका जो रेंट देना पड़ता है वो C2 में इंक्लूड होगा. और अगर उसने कोई लोन लिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो भी C2 में इंक्लूड होगा. तो जो अमाउंट आई C2 की उस पर 50% ज़्यादा लग कर किसान को MSP मिलना चाहिए. बट इन करंट सिचुएशन MSP कैसे मिलता है, A2 प्लस FL एंड 50% ओनली ऑन द खरीफ क्रॉप. तो इसीलिए हमारे किसानों का कहना है कि अगर उनको उनकी फसलों का सही दाम मिल जाए ना तो उनकी 90% से ज़्यादा दिक्कतें तो यहीं सॉल्व हो जा रही है. और हमारी सरकार वादे करती है कि हम किसानों की इनकम डबल कर देंगे. अरे भाई, नहीं चाहिए उनको उनकी डबल इनकम, आप उनका सही MSP दो ना. खैर, नेक्स्ट इज रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट. अगर किसान कोई लोन लेता है तो उसके लिए 4% कम इंटरेस्ट पर मिलना चाहिए. नेक्स्ट इज MS स्वामीनाथन ने बोला एस्टैब्लिशमेंट एंड एग्रीकल्चर रिस्क फंड. एग्रीकल्चर रिस्क फंड को एस्टैब्लिश करना चाहिए. जैसे मान लो कि अगर बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया तो किसान की सारी फसलें नष्ट हो जाएंगी, तो वो खाएगा क्या और कमाएगा क्या. तो इसीलिए किसानों के लिए सरकार को फंड प्रोवाइड कराना चाहिए. नेक्स्ट, इंडिया में 192 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन है जिसमें से 60% ऑफ लैंड अभी भी ऐसी है जो बारिश के पानी पर डिपेंड है या जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था ही नहीं है. और जिसमें से खाली 45% ऑफ द लैंड ऐसी है जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था अवेलेबल है. नेक्स्ट इज इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी सीड्स. किसानों को क्वालिटीफुल सीड्स अवेलेबल कराना चाहिए अफोर्डेबल कॉस्ट पर. नेक्स्ट, प्रिवेंट डाइवर्जन. MS स्वामीनाथन ने कहा कि जो ज़मीन खेती के लायक है उसको कॉरपोरेट सेक्टर के हाथों में नहीं देना चाहिए. नेक्स्ट, इंश्योर ग्रेजिंग राइट. उन्होंने कहा जो हमारी ट्राइब कम्युनिटी है उनको उनके ग्रेजिंग राइट्स मिलने चाहिए. उन्होंने इशू किसान क्रेडिट कार्ड टू वुमेन फार्मर्स. उनका कहना था कि जो वुमेन्स फार्मर हैं उनको भी KCC कार्ड्स इशू कराने चाहिए ताकि वो भी ईजिली लोन ले सके. नेक्स्ट, सेटअप विलेज नॉलेज सेंटर्स और ज्ञान चौपाल्स. विलेज नॉलेज सेंटर और ज्ञान चौपाल्स, इनका मेन मोटिव क्या होगा कि ये किसानों को अवेयर करें, किसानों को समझाएं, या अगर कोई भी किसान सुसाइड कर रहा है तो उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं पहले उसको समझे और किसानों को अवेयर कराए. जैसे अभी 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है, 35 साल के एक फार्मर ने MP में सुसाइड किया. क्यों? क्योंकि वो अपने बिजली का जो खर्चा था, बिजली का जो बिल था, वो नहीं दे पा रहा था. और उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि उसके एक एक करके बॉडी के ऑर्गन्स को बेच दे और जो बचा हुआ पैसा है वो उससे उसका बिल चुका दे. ये गवर्नमेंट को MS स्वामीनाथन की इन रिकमेंडेशंस पर बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है. अब हम देखते हैं SBI के 5 सजेशन जो फार्मर्स के लिए. डॉक्टर सौम्या गांधी घोष, हु इज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ SBI, ने ये रिपोर्ट 21 दिसंबर को सबमिट करी. फर्स्ट पॉइंट इज इंसर्टिंग क्वांटिटी गारंटी क्लोज इंस्टेड ऑफ MSP. SBI ने कहा कि MSP की जगह क्वांटिटी गारंटी क्लोज को इंसर्ट कर देना चाहिए. इसमें क्या होगा, इसमें सरकार को कम से कम 5 साल के लिए किसानों को ये सुनिश्चित कर देना चाहिए कि वो उनसे इतनी अमाउंट में उनकी फसल खरीदेगा ही खरीदेगा. इससे क्या होगा, इससे किसान आगे आने वाले सालों के लिए सुनिश्चित रहेगा कि हाँ उसको इतना दाम तो मिलेगा ही मिलेगा. एक पूरा फ्लेक्सिबल KCC स्कीम. SBI का कहना था कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने की ज़रूरत है ताकि किसानों को बैंकों के इधर उधर धक्के न खाने पड़े लोन लेने के लिए. एक क्वेश्चन आपके लिए कि KCC स्कीम लॉन्च कब की गई थी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज कन्वर्टिंग MSP टू फ्लोर प्राइस.
SBI का कहना है कि MSP को कन्वर्ट करके फ्लोर प्राइस में कर देना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें ई नाम एक पोर्टल है जो ऑनलाइन वर्क करता है, दैट इज़ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसमें सारी APMCs को इकट्ठा किया जाता है और वहाँ से उत्पादकों को बेचा जाता है। जैसे कि आप इस टेबल में देख रहे होंगे, सारी फसलों के दाम ई नाम पर MSP से भी कम रेट में है, एक्सेप्ट उड़द। और इस टेबल में APMC जो मंडियां है इंडिया में वो 6179 है, जिसमें से खाली ई नाम पर 1000 मंडियां हैं वो रजिस्टर्ड है। तो दैट्स अ बिग चैलेंज फॉर अ गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग APMC मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। SBI का कहना है कि APMC मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। ये टेबल 2019-20 का है, जिसमें जो भी फसलों का नुकसान होता है APMCs में वो दिखा रहा है। जैसे अगर इधर ओवरऑल टोटल सेल्स का लॉस देखा जाए तो 27,000 अप्रोक्सीमेटली करोड़ इतना नुकसान हुआ है, और पल्सेस का देखा जाए तो 5,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली इतना नुकसान हुआ है पल्सेस का। एंड नेक्स्ट इज ऑयल सीड, ओवरऑल ऑयल सीड्स देखा जाए तो 10,000 करोड़ इतना नुकसान हुआ है ऑयल सीड्स का। तो इसीलिए APMC मार्केट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मजबूत बनाने की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंस्टीट्यूशन, SBI का कहना है कि इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने की ज़रूरत है, और अगर उन्हें ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो इंडिया के फार्मर की सिचुएशन थाईलैंड के फार्मर की सिचुएशन की तरह हो सकती है, क्योंकि थाईलैंड के फार्मर्स को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला है। एज यू कैन सी इन द ग्राफ कि वहाँ की मार्केट सर्टेनिटी 52% है और प्राइस स्टेबिलिटी 46%। तो सरकार को SBI के इन सजेशंस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। ये 2019 के फार्मर्स का सुसाइडल ग्राफ है। अगर आप इधर देखो तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फार्मर्स ने सुसाइड की है, और इस टेबल में देखा जाए तो 2015 में 11,584 फार्मर्स ने सुसाइड किया था, और 2019 में 10,269 फार्मर्स ने सुसाइड किया। तो जो ये रेट है बहुत कम रेट से डिक्लाइन हुआ है। दैट्स व्हाई लाइवलीहुड ऑफ फार्मर इन इंडिया इज स्टिल अ बिग क्वेश्चन मार्क। आप लोगों के हिसाब से सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए किसानों के लिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप हमें फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।